हेलो अंक्षी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग ने जेंगशा और नी हुएसांग को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया था और उसे कहा था कि वो और लंजा केवल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं। ये बात वांग जी के दिमाग में घर कर गई थी और वो बार बार यही सोच रहा था कि मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ानी है। यिंग की नज़र में हम दोनों केवल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं जो साथ में एक बेबी को पालने वाले हैं। यिंग उस कर्ज की वजह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस में है जिस वजह से उसकी पूरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है, पर उसके बाद भी वो लंजा को इसका हिस्सा बनने दे रहा है। यही वांग जी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और वांग जी इसी में खुश था। अगले दिन सुबह यिंग जब उठता है तो वो किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। वांग जी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है तो यिंग कहता है, लंजा ये कॉफ़ी डीकैफिनेटेड है तो इसे तो मैं पी ही सकता हूँ ना। वांग जी कहता है, डीकैफिनेटेड कॉफ़ी में भी 2.4 मिलीग्राम्स कैफीन होता है जो तुम्हारे लिए या फिर बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो यिंग डिसअपॉइंटेड दिखने लगता है तो वांग जी उसके लिए ओरजो कॉफ़ी बनाता है जो पूरी तरीके से हेल्दी थी। वो यिंग से कहता है, तुम्हें ये पीनी चाहिए, इसमें केवल हेल्दी न्यूट्रिशंस हैं जो तुम्हारे और होने वाली बेबी के लिए बहुत अच्छे हैं। वो यिंग मुँह बनाते हुए कहता है, लंजा इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, प्लीज़ मुझे बस एक कप कॉफ़ी पीने दो, सिर्फ सुबह के लिए। पर वांग जी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। यिंग कहता है, लंचा मेरे दिन की शुरुआत हमेशा कॉफ़ी पीने से होती है, क्या मैं एक सिंगल कप ऑफ कॉफ़ी भी नहीं पी सकता। यिंग कैबिनेट से कॉफ़ी निकालने के लिए ऊपर की तरफ उठता है। उसने टैंक टॉप पहना हुआ था जिससे उसकी बैली शो होने लगती है। वांग जी की नज़र तुरंत वहां जाती है और वो अपनी नज़र हटाते हुए कहता है, यिंग। तभी यिंग भी देखता है कि उसकी बैली थोड़ी थोड़ी शो होने लगी थी। अब यिंग और वांग जी दोनों की नज़र उस तरफ जाती है। यिंग कहने लगता है, ये कितना वियर्ड है लंजा, सच में बहुत वियर्ड है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इसके अंदर एक बेबी है। वांग जी को मन कर रहा था यिंग की बैली को टच करने का, वहाँ किस करने का। वो एक बार फिर गहरी आवाज में कहता है, यिंग। यिंग अपने दोनों हाथ अपनी बैली पर ले जाता है और सडनली उसकी ब्रीदिंग बहुत हार्ड हो जाती है। वांग जी ये नोटिस करता है और उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ यिंग, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, तुम बहुत देर से खड़े हो। यिंग वही फ्लोर पर बैठने लगता है और एक बार फिर वांग जी से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ एक बेबी है। वांग जी भी उसके साथ फ्लोर पर ही बैठ जाता है और यिंग से कहता है, वेंजिंग ने कहा था कि जब तुम्हारी बैली शो होने लगेगी तो अचानक से तुम्हें ऐसा फील होगा। यिंग को एक बार फिर काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा था। वो फ्लोर पर ही लेट जाता है और वांग जी से कहता है, लंजा तुम भी मेरे साथ लेट जाओ ना, ये फ्लोर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वांग जी वहीं यिंग के साथ लेट जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही लेटे रहते हैं। अगले दिन यिंग जब ऑफिस जाता है वो वेंचिंग से पूछता है, क्या उसे ऑफिस पर भी सारे लोगों को बता देना चाहिए। तो वेंचिंग उससे कहती है, तुम्हें अभी बताने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी जब तुम्हारी बैली और भी ज़्यादा शो होने लगेगी तो इवेंचुअली सबको पता लग जाएगा। काफ़ी लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया भी होने लगा था क्योंकि यिंग अक्सर वेंचिंग के लैब जाता रहता था। यिंग वांग जी से कहता है, हम इस बारे में नी हुएसांग को बता चुके हैं और उसे बताने का मतलब है कि अब सबको ही पता चल जाएगा। वेंचिंग से बातें करने के बाद अब वो दोनों घर चले जाते हैं। यिंग ने अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लिए थे और वांग जी भी अपने रूम में चेंज करने के लिए चला गया था। वांग जी अपने कपड़े चेंज करने के बाद जब वापस आता है तो वो देखता है कि यिंग किचन में था। वो कुछ फ्राई कर रहा था, उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे, म्यूजिक ऑन था और फ्राई करते करते वो डांस कर रहा था। यिंग की थाइस और उसकी बैली क्लियरली विजिबल थी जो वांग जी को दीवाना बना रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और आखिरकार वो यिंग को पीछे से आकर पकड़ लेता है, अपना फेस यिंग की नेक में और अपने हाथ यिंग की बैली पर रख लेता है। प्रेगनेंसी की वजह से अब यिंग भी बहुत जल्दी अराउज्ड फील करने लगता था। वो तुरंत वांग जी की तरफ मुड़ता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी भी उस किस को रेजिस्ट नहीं कर सकता था। यिंग को किस करते करते सडनली वांग जी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अब उसकी बैली पर किस करने लगता है। यिंग सडनली वांग जी के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, लंजा मैं खाना बना रहा था, खाना जल जाएगा। वांग जी तुरंत गैस ऑफ कर देता है और यिंग से कहता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यिंग। वांग जी यिंग के शॉर्ट्स निकाल देता है और यिंग तुरंत अपने हाथों को वांग जी के बालों में ले जाने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है तो यिंग कहता है, लंजा ये गलत है, मुझे भी खुद को टच करने दो। तो वांग जी उससे कहता है, डिनर के बाद। यिंग उससे कहता है, पर तुम्हें भी तो हॉट फील हो रहा होगा ना। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ। डिनर कर लेने के बाद यिंग स्लीपी फील कर रहा था पर वांग जी उसे काउच पर अपनी तरफ खींचता है
और टीवी ऑन कर लेता है। विंग को इतना स्लीपी फील हो रहा था कि वो वांगजी के शोल्डर्स पर सिर रखकर सो जाता है। विंग को गहरी नींद में देखकर वांगजी टीवी बंद कर देता है और उसके बालों में धीरे धीरे अपना हाथ फहराता रहता है। एक घंटे की नींद के बाद धीरे धीरे विंग की आंखें खुलने लगती हैं और वो देखता है कि वो वांगजी की गोद में सोया हुआ था। विंग उससे कहता है, सॉरी लंजा, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। क्या पूरी रात बीत चुकी है? वांगजी उससे कहता है, नहीं, तुम केवल एक घंटे के लिए सोए थे। विंग यॉनिंग करते हुए कहता है, मुझे खुशी है क्योंकि मुझे याद है तुमने क्या कहा था, डिनर के बाद हमें कुछ करना था ना। ऐसा कहकर वो तुरंत वांगजी के गले में अपनी बाहें डाल देता है और उससे कहता है, लंजा, पता नहीं मुझे क्या हुआ है पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अराउज्ड रहता हूँ, क्या हम प्लीज़ इस वक्त यहीं काउच पर कर सकते हैं? इससे पहले कि वांगजी कोई जवाब देता, विंग ऑलरेडी उसे अपनी तरफ खींचकर एक डीप और हॉट किस करने लगता है। काउच पर ही उनके 2-3 मेकआउट सेशंस होते हैं पर उसके बाद भी विंग बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। वांगजी फाइनली उसे अपनी गोद में उठाता है और बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। इस बार विंग वांगजी को बेड पर धक्का देता है और उसके ऊपर आ जाता है। हॉट सेशन के दौरान विंग वांगजी को इतना इंटेंसिवली देख रहा था कि वांगजी के लिए ब्रीथ लेना भी हार्ड हो गया था। वांगजी के बाल उसके फेस पर आ रहे थे। विंग धीरे धीरे उसकी आंखों पर से वांगजी के बाल हटाता है। वो वांगजी से कहता है, लंजा, आज रात तुम्हारी बेडशीट बहुत डर्टी हो जाएगी। पर वांगजी उससे कहता है, कोई बात नहीं, ये माइक्रोफाइबर से बनी है, जल्दी ही क्लीन अप भी हो जाएगी। विंग इस बात पर हंसते हुए कहता है, तुम सच में वियर्डो हो लंजा। अब विंग की प्रेगनेंसी को 5 मंथ्स हो चुके थे। फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो लैंच रैन को इस बारे में बता देंगे। लैंच रैन जो कि उनका बॉस था, साथ में वांगजी का अंकल भी था। विंग कहीं ना कहीं श्योर था कि लैंच रैन ये बात जानने के बाद पक्का उसे कंपनी से निकाल देगा। उस रात विंग डिनर से पहले ही सो जाता है। वो कल के बारे में सोचकर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि कल वो लैंच रैन को सच बताने वाले थे। वांगजी भी अपने बेडरूम में आ जाता है और अपने ब्रदर को कॉल करता है। वो शिचैन को इस बारे में बहुत पहले ही बता देना चाहता था पर शिचैन का काम अक्सर ट्रैवलिंग का रहता था और वांगजी बताने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वांगजी जब शिचैन को कॉल करता है तो शिचैन खुश होते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे कॉल किया वांगजी। वांगजी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको कॉल नहीं कर पाया पर मुझे आपको एक खबर देनी है। शिचैन उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, प्लीज़ मुझे बताओ क्या खबर देनी है। वांगजी कहता है, ब्रदर, कुछ महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट का रिजल्ट ये है कि विंग अब प्रेग्नेंट है। शिचैन थोड़ा कंफ्यूज्ड साउंड करते हुए कहता है, ओके। तभी वो कहता है, मैं समझ गया, ये स्पिरिचुअल इम्प्रेगनेशन रहा होगा। वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, विंग मेरे बेबी को जन्म देने वाला है। कुछ टाइम के लिए शिचैन एकदम साइलेंट रह जाता है पर उसके बाद वो खुश होते हुए कहता है, क्या सच में वांगजी? वांगजी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, हमने प्लान किया है कि हम इस बेबी को साथ में बड़ा करेंगे। विंग अभी मेरे साथ रह रहा है और बेबी के जन्म तक वो मेरे साथ ही रहेगा और जब वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा हम बेबी की कस्टडी और को पेरेंटिंग को शेयर करेंगे और उसका प्लान बनाएंगे। शिचैन शॉक्ड रह जाता है लेकिन ये सब सुनकर वो बहुत प्लीज्ड भी था। वो वांगजी से पूछता है, क्या तुमने अंकल को सब बता दिया? वांगजी कहता है, अंकल को हम कल सब कुछ बता देंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता था इसलिए मैंने कॉल किया। शिचैन कहता है, मुझे खुशी है वांगजी। प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है? वांगजी कहता है, 5 मंथ्स हो चुके हैं। कल सब कुछ जान लेने के बाद अंकल श्योरली आपको कॉल करेंगे, प्लीज़ आप सब कुछ हैंडल कर लेना। आई एम सॉरी ब्रदर। शिचैन कहता है, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है वांगजी और चिंता मत करो, अंकल को मैं हैंडल कर लूँगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। वांगजी कहता है, थैंक्स ब्रदर, गुड नाइट। अगली सुबह विंग और वांगजी ऑफिस पहुँच जाते हैं और अपनी अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं। विंग की बेली अब काफ़ी हद तक शो होने लगी थी और उसने बहुत लूज पैंट्स पहनना शुरू कर दिया था। वो दोनों बस इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी चिरैन गुस्से में बाहर निकलता हुआ आता है। वेंचिंग ने ऑलरेडी उसे विंग की रिपोर्ट्स दे दी थी। वो विंग से कहता है, तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। विंग के साथ साथ वांगजी भी खड़ा हो जाता है। चिरैन उससे कहता है, मैंने तुमसे तो आने के लिए नहीं कहा। वांगजी कहता है, पर जो भी कुछ हुआ है उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। चिरैन उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है। वो दोनों चिरैन के ऑफिस जाते हैं। चिरैन विंग को देखकर कहता है, तुम कितने शेमफुल हो।
वो यिंग मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल मैं शेमफुल नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और बहुत ही डेलिकेट कंडीशन में हूँ, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चिरान उससे कहता है, तुम्हें ये सब फनी लगता है? वांग जी कहता है, अंकल ये इंसिडेंट जॉब के दौरान हुआ, हमने सारे प्रिकॉशंस और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे, पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन अनरिजॉल्व्ड है। चिरान कहता है, तुमने अपने भाई को भी इस बारे में बता दिया होगा ना, उसका क्या कहना है? वांग जी कहता है, वो मेरे लिए खुश हैं और आपको भी खुश होना चाहिए अंकल, विंग मेरे बेबी को जन्म देने वाला है। चिरान कैसे भी अपना पूरा गुस्सा कंट्रोल करता है और विंग से कहता है, सारे प्रिकॉशंस को प्रॉपर तरीके से लेना और वेंचिंग के सारे इंस्ट्रक्शंस मानना। विंग कहता है, यस अंकल। उसके बाद वांग जी और विंग बाहर आ जाते हैं। विंग एक गहरी सांस लेता है। वांग जी से कहता है, थैंक गॉड जितना हम डर रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। वांग जी इस बात पर सिर्फ हम कहता है। विंग कहता है, ओके लंजा मुझे भूख लगी है, इस बेबी को पता नहीं कितनी भूख लगती है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ मुझे बहुत भूख लगती रहती है। वांग जी मुस्कुराने लगता है और विंग लंच के लिए चला जाता है। अब विंग ने सारे कोवर्कर्स को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया था। जब वो म्यामया को इस बारे में बताता है तो म्यामया उससे कहती है, तुम्हें 5 मंथ्स हो भी चुके हैं पर तुम्हारी बैली से लगता नहीं है, मेरी बैली तो बहुत बड़ी हो गई थी, तुम्हारे पैरों पर भी स्वेलिंग नहीं है। विंग प्राउडली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ पर मुझे सच में 5 महीने हो चुके हैं, सिर्फ 4 महीने और रह गए हैं फिर बेबी आ जाएगा। विंग बहुत खुशी से सारे कोवर्कर्स को बताया जा रहा था और वांग जी दूर बैठा उसे ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। अब इस वीकेंड पर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक सिबलिंग्स नाइट रखेंगे। विंग जेंगछा और यानली को बुला लेता है और वो वांग जी से कहता है, तुम्हें भी अपने भाई लैन जिचैन को बुला लेना चाहिए। वांग जी उससे कहता है, ब्रदर अभी बिजी हैं, मैं उन्हें फिर कभी बुला लूंगा। विंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखता है पर वो वांग जी से कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। यानली और जेंगछा विंग से मिलने के लिए आते हैं। यानली विंग के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो विंग से कहती है, अभी तो तुम्हें बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ रही होगी ना, अपना अच्छे से ख्याल रखना विंग। विंग कहता है, शिजे लंजा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। यानली विंग से कहती है, तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आशियन। वो सब लोग काउच पर बैठे हुए थे। वांग जी विंग की तरफ थोड़ा और शिफ्ट हो जाता है पर सडनली उसे लगता है कि शायद ये सिबलिंग्स टाइम है, विंग जेंगछा और यानली को थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए। वो काउच से उठकर जाने ही वाला होता है पर तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दूसरा हाथ अपनी बैली पर रखता है। उसका फेस काफ़ी शॉक्ड दिख रहा था। तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं तो विंग कहता है, लंजा बेबी ने अभी मुझे किक किया। यानली और जेंगछा ये सुनकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं वो तुरंत आगे बढ़ते हैं पर विंग सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था जैसे पूरे रूम में सिर्फ वांग जी ही वहाँ हो। वो तुरंत वांग जी का हाथ अपनी बैली पर रखता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? वो हमारा बेबी है लंजा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे रोना आ रहा है और काफ़ी एम्बेरसिंग भी फील हो रहा है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स ऐसे क्यों होते हैं शिजे? विंग अपने आंसुओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तभी यानली उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, ये तो ब्यूटीफुल है विंग, ये खुशी के आंसू हैं, इसमें एम्बेरसिंग फील करने वाली कोई बात नहीं है। वांग जी भी खुद को कंट्रोल कर रहा था। इस वक्त वो सब कुछ भुलाकर विंग को किस करना चाहता था पर यानली और जेंगछा के सामने ऐसा करना ठीक नहीं होता। वो विंग के आंसू पोंछने लगता है। वो यानली की तरफ देखता है जैसे वो यानली से किसी चीज़ की परमिशन मांग रहा हो। यानली भी सॉफ्टली मुस्कुराने लगती है और हाँ में सिर हिला देती है। वांग जी तुरंत विंग को किस कर लेता है। विंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, इस वक्त मैं बिल्कुल मैस दिख रहा हूँगा ना? पर वांग जी उससे कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। 1 महीना और बीत गया था और अब विंग की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो चुके थे। विंग वेंचिंग के ऑफिस में था। वेंचिंग उसे चेक कर रही थी। विंग और वांग जी एक और केस पर जाने वाले थे। वेंचिंग उससे पूछती है, तुम्हें कैसी फीलिंग हो रही है? सांस लेने में कोई तकलीफ, किसी तरीके का दर्द, स्वॉलन फीट, इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? विंग उससे कहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही। वेंचिंग कहती है, अगर तुम्हें इसमें से कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत तुम्हें किसी को बताना होगा क्योंकि अभी तुम फील्ड वर्क पर जाने वाले हो तो अपना अच्छे से ख्याल रखना। विंग कहता है, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा वेंचिंग। विंग और वांग जी दोनों मिलकर अपने नेक्स्ट केस वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर रिसेंटफुल एनर्जी को शांत करना था। वांग जी विंग से कहता है, हम पहले इस एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे।
वहां पहुंचने के बाद अचानक से उस लोकेशन पर उथल फुथल हो जाती है। विंग तुरंत अपनी बेली पर हाथ रख लेता है और कहने लगता है, लंजा ये क्या हो रहा है। वांग जी भी तुरंत उसे पकड़ लेता है और अपनी बैकअप टीम को कॉल करने लगता है। वो विंग से कहता है, विंग ये वही जगह है जहां पर वो कर्ज था, लास्ट टाइम भी हम इसी बिल्डिंग में थे। हम अभी अंदर नहीं जाएंगे, हम बैकअप टीम का इंतजार करेंगे। विंग कहता है, पर ये हमारा केस है लंजा, और मैं इतना डेलिकेट भी नहीं हूँ। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ क्या प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है, नहीं विंग, क्लियरली किसी ने हमें यहाँ लाने की कोशिश की है। वांग जी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, पर फाइनली वहाँ बैकअप टीम पहुंच गई थी। उस टीम में वेनिंग था। वांग जी वेनिंग को नहीं जानता था, पर वेनिंग को देखकर विंग के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी से कहता है, लंजा ये वेंचिंग का ब्रदर है। वांग जी कहता है, मैंने घोस्ट जनरल वेनिंग के बारे में सुना तो है, पर आज मिलना पहली बार हो रहा है। वेनिंग विंग की बैली देखकर कहता है, मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सुना, इसका मतलब ये सच है, क्या मैं प्लीज टच कर सकता हूँ। विंग कहता है, ऑफकोर्स बिल्कुल। वेनिंग कहता है, ये सच में कितना ब्यूटिफुल है ना। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करती हूँ। दो दिन वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं एक वेडिंग फंक्शन में बिजी थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।